मूवी में नजर आएंगी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। कैसा होगा फिल्म में अब की बार उनका रोल? दोस्तों, साल 1993 में रिलीज हुई एक्टर संजय दत्त की मूवी खलनायक को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। मूवी में संजय दत्त के साथ साथ एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और एक्टर जैकी श्रॉफ भी नजर आए थे। फिल्म में माधुरी दीक्षित के धमाकेदार गाने चोली के पीछे क्या है ने खूब धमाल मचाया था। और अब जब सुभाष घई ने खलनायक 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है तो ऑडियंस ये जानने के लिए बेहद एक्साइटेड है कि क्या इस बार बॉलीवुड दीवा माधुरी दीक्षित फिल्म के सीक्वल का हिस्सा बनेंगी या नहीं। वेल हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे एक्टर संजय दत्त की अपकमिंग मूवी खलनायक 2 के बारे में। हाल ही में जब एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित से खलनायक 2 पर बात की गई तो उनके बयान ने सभी को हैरान करके रख दिया। दरअसल माधुरी के अकॉर्डिंग उन्हें खलनायक 2 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। माधुरी कहती हैं, ये मेरे लिए एक बड़ी खबर है, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। खलनायक 2 की न्यूज मेरे लिए एक काफी बड़ा सरप्राइज है और अगर ये फिल्म बनने वाली है तो सब कुछ निर्माताओं पर डिपेंड करता है कि वो कब और कहां शूट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही चीजें साफ हो जाएंगी। आगे जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगी या नहीं तो वो बोली, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, ये टोटली मेकर्स पर डिपेंड करता है कि वो मुझे खलनायक 2 में लेंगे या नहीं। वेल दोस्तों, माधुरी के इस बयान से तो साफ पता लग रहा है कि उन्हें खलनायक 2 के बारे में कानों कान खबर तक नहीं है। लेकिन सूत्रों की माने तो मेकर्स चाहते हैं कि माधुरी दीक्षित फिल्म का हिस्सा जरूर बने और अपनी प्रेजेंस से मूवी में 4 चांद लगाएं। खबरों का तो ये भी कहना है कि माधुरी दीक्षित का रोल फिल्म में पिछली बार से काफी ज्यादा रिजेंबल करेगा, लेकिन अब की बार उनके रोल में और भी ज्यादा बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस नजर आएगा। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं माधुरी दीक्षित मूवी का हिस्सा बने या नहीं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गॉसिप के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।